नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। कौन कहता है कि एक उम्र के बाद आप मॉडल नहीं बन सकते? जी हाँ, 57 साल की उम्र में मॉडलिंग की शुरुआत करने वाली दिल्ली की डॉक्टर गीता प्रकाश ग्लैमर की दुनिया की रूढ़ियों को तोड़ रही हैं। भारतीय सेना और संयुक्त राष्ट्र में काम कर चुकी 67 वर्षीय जनरल फिजिशियन डॉक्टर गीता प्रकाश के लिए ये अनूठा मौका एक मरीज के साथ बातचीत के दौरान सामने आया था। जी हाँ, आपको बताते चलें कि इस मरीज ने डॉक्टर प्रकाश से पूछा कि क्या वह उनके शूट का हिस्सा बनना चाहती हैं। डॉक्टर प्रकाश ने मीडिया से कहा कि मैं तब 57 साल की थी, फिर भी मैंने सोचा कि मैंने अभी तक यह कोशिश नहीं की, इसे क्यों ना आजमाया जाए, और मैंने रजामंदी जता दी। आपको बताते चलें कि जब डॉक्टर प्रकाश सेट पर पहुंची तो उन्हें पता चला कि वे सेलिब्रिटी डिजाइनर तरुण तहिलियानी के लिए मॉडलिंग करेंगी। प्रकाश ने कहा कि शूटिंग के पहनाई जाने वाली पोशाक और गहने मुझे राजसी ठाट बाट की तरह लगे। ये विज्ञापन जब लाइव हुए तो मैंने अपने परिवार को बताया। इसे देखकर उन्होंने कहा कि माँ, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। प्रकाश ने कहा कि अपनी पहली शूटिंग के बाद उन्होंने और अधिक मॉडलिंग असाइनमेंट किए। उन्हें हार्पर बाजार और फेमिना जैसी फैशन पत्रिकाओं और पर्सनल केयर ब्रांड डव के बिलबोर्ड में जगह दी गई। आपको बताते चलें कि उन्होंने ये कहा कि वे हफ्ते के बाकी दिनों में अपना डॉक्टरी का काम करती हैं और सप्ताह के अंत में मॉडलिंग करती हैं। डॉक्टर गीता ने बताया कि उन्होंने विज्ञापनों की शूटिंग बिना किसी योजना से की। कश्मीर में छुट्टियां मनाते हुए डॉक्टर गीता ने हार्पर बाजार की शूटिंग की और उनकी बेटी ने जब फेसबुक पर उनके साथ एक तस्वीर पोस्ट की तो उसके बाद डॉक्टर गीता को डव का फोन आया। आपको ये भी बताते चलें कि डॉक्टर गीता प्रकाश ने कहा कि मॉडलिंग ने उन्हें आजादी महसूस कराई। लोग कह सकते हैं कि तुम 57 साल की उम्र में मॉडल हो, लेकिन मैं कहती हूं कि क्या यह खराब है? अपने 61वें जन्मदिन पर डॉक्टर गीता प्रकाश को जीवन भर का सरप्राइज मिला जब उनका फोटो फेमिना मैगजीन के कवर पेज पर छपा। प्रकाश ने मीडिया से कहा कि किसी एक नए सपने को देखने के लिए कभी देर नहीं होती। उन्होंने कहा कि वह उन लोगों पर ध्यान नहीं देती हैं जो कहते हैं कि वह एक मॉडल बनने के लिए बहुत बूढ़ी हैं। आपको बताते चलें कि गीता प्रकाश ने अंजू मोदी, तरुण तहिलियानी, गौरव गुप्ता, तोरानी, निकोबार, जयपुर और अशदीन जैसे प्रमुख डिजाइनर ब्रांडों के लिए मॉडलिंग की है और 67 साल की उम्र में वह रुकना नहीं चाहती और मॉडलिंग के अपने जुनून को तब तक जारी रखना चाहती हैं जब तक वह कर सकती हैं। आपको वह बता दें कि कैसे वे पेशे और मॉडलिंग व्यवसाय को जोड़ती हैं। जी हाँ, भले ही उन्होंने मॉडलिंग से देर में शुरुआत की, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं मॉडलिंग के लिए समय निकालती हूँ, लेकिन मैंने अपने रोगियों के साथ परामर्श करने से कभी नहीं चूका। मैं ज्यादातर सप्ताह के अंत पर मॉडलिंग की नौकरियों के लिए साइन अप करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि उस समय मैं अपेक्षाकृत मुक्त होती हूँ। मुझे मॉडलिंग से जितना प्यार है, मुझे अपने लोगों की सेवा करना और घर पर चैरिटी क्लिनिक चलाना बहुत पसंद है। आगे उन्होंने ये भी बताया कि होल्डिंग और चमकदार पत्रिकाओं में मेरी तस्वीर देखकर मेरे बच्चे बहुत उत्साहित हो जाते हैं। वे मुझे तस्वीरें भेजते रहते हैं, यह मुझे खुश करता है और मुझे संतुष्टि की भावना भी देता है। आपको बताते चलें कि अपने आसपास की महिलाओं को संदेश देते हुए उन्होंने ये कहा कि उन्हें कभी भी सपने देखना बंद नहीं करना चाहिए, चाहे वे बूढ़े हो या जवान। दुनिया में किसी चीज की कोई उम्र की सीमा नहीं है और आपको उम्र को अपने जुनून और शौक को निर्धारित नहीं करने देना चाहिए। तो आपको इस मोटिवेशनल स्टोरी को सुनकर के कैसा लगा? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।